विमुक्ति का रहस्य नामक पुस्तक का विमोचन 16 दिसंबर को भिलाई के अमित इंटरनेशनल होटल में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल और संस्था के सदस्य मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान पुस्तक का निःशुल्क वितरण लोगों में किया गया। बता दें कि मनु ज्योति आश्रम तमिलनाडु मानव कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रहा है। संस्था का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सही संदेश और मार्गदर्शन देना है। तो कुछ बातें बताई थी, लेकिन पूरी तरह से मुझे इसका ज्ञान नहीं था। हम लोग अनेक देवी देवता को मानते हैं, लेकिन ये भी सत्य है ईश्वर एक है और एक ही ईश्वर के हम संतान हैं। परमात्मा एक है, हम लोग का सौभाग्य है कि मनु ज्योति आश्रम के द्वारा संचालित एक भगवान एक देश के सिद्धांतों पर चलने वाले और उस मूल मंत्र को देने वाली आश्रम से जो ज्योति प्रकाश निकलती है, 18 गुणों से परिपूर्ण रहस्य की बातें वहाँ बताई जाती है और उसी से संबंधित मुक्ति का रहस्य, हर व्यक्ति चाहता है मुझे मुक्ति मिले और मुक्ति का रहस्य पुस्तक का हम सब ने मिलकर यहाँ पे जो विमोचन किया है उसके लिए मैं संपादक मंडल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तमिलनाडु में मदुराई से आगे स्थित उस मनु ज्योति आश्रम में ऐसी ज्योति प्रकाश फैलती है जहाँ पे हम लोग जाकर, मैं तो नहीं गया हूँ, मेरी भी जाने की इच्छा है। मैंने शंकर जी को वहाँ के मुख्य जो ट्रस्टी हैं उनसे मैंने निवेदन किया है कि मैं भी जाऊँ और मैं आप सबके माध्यम से सबसे निवेदन भी करता हूँ कि वहाँ जाएँ, वहाँ के रहस्य को जाने पहचाने और अपने जीवन को मुक्ति प्रदान करें, यही मैं सभी से निवेदन करता हूँ। हमारे सब खड़े हैं उसमें से निकाल के इन्होंने वन गॉड वन नेशन बनाया और मनुष्य का जीवन क्या है, किस चीज़ पे चलते हैं, कैसे चलते हैं, इसके बारे में पूरा वर्णन किया हुआ है। और मनु ज्योति आश्रम का सिद्धांत यही है, एक ही भगवान एक ही देश। मुक्ति का रहस्य के बारे में बताया गया। मुक्ति का रहस्य ऐसा है सर जी, मैं ज़्यादा इस पर पढ़ा नहीं हूँ, मैं कल ही आया और मुझे कल ही मालूम पड़ा कि यहाँ पे प्रोग्राम है। मुक्ति के रहस्य के बारे में हमारे भाई साहब, हमारे बड़े भाई साहब है दिल्ली से आए हुए हैं।